हेलो तो स्टूडेंट्स हावर आप सभी लोग कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में जो रेलवे ट्वेंटी फोर सेवन के चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए आया है परिवर्तन बैच आवर ये आप सभी लोग कैसे हैं जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा रहा था और बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं और आज भी आ, अगेन दूसरे एक नया टॉपिक पढ़ाने आया हूँ ये मैं आपको ऑलरेडी जो बेसिक पार्ट है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा चाहे वो बोर्ड मास का हो सिंप्लीफिकेशन का हो चाहे कोई भी पार्ट हो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई दुर्गा हेलो हेलो नमस्ते तो वाले पार्ट तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पर आपको आज नया टॉपिक पढ़ाने वाला और एक एक तरह से नई शुरुआत ही कर लो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पर फिर भी मैं अथबार से पढ़ा दूंगा आपको आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा औसत रहेगा आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा औसत रहेगा तो औसत पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज अब और औसत के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो सब जानेंगे आप सभी को पता होना चाहिए आ, के क्लास पढ़ा चुका हूँ प्रॉफिट लॉस ऐसा ऐसी आपको इसी के अंदर प्ले लिस्ट जाएगा आपको और आज की प्ले लिस्ट में आपको जो टॉपिक शुरुआत करने वाला हूँ वो क्या है एवरेज वो क्या है औसत तो औसत पढ़ने वाले मेरे भाइयों तो औसत पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं सभी को औसत पढ़ने से पहले सबसे पहले एक बात बता देता हूं

अगर मैं आपको कहूं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मतलब प्रथम प्रथम एन प्राकृतिक जो संख्या है प्राकृतिक संख्या है का योग सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग दोस्तों वो क्या होता है वो होता है हमारे पास एन इन टू एन प्लस वन अपॉन टू किन्नी भी प्रथम किन्नी भी मतलब स्टार्टिंग से कहीं तक भी दस तक बीस तक तीस तक चालीस तक उनका हमारे पास क्या होता है एन प्रथम संख्याओं का जो सम होता है जो योग होता है वो एन इन टू एन प्लस वन होता है क्लियर एन इन टू एन प्लस वन होता है अब आपको ये भी जानकर र्श होगा कि आपको वैसे तो पता ही है किस बच्चे को नहीं पता औसत का फॉर्मूला क्या होता है पर औसत क्या होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन जितनी भी आपके पास आपने देखा है प्रेक्षण देखे या फिर जितनी भी आपने सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सभी जितनी चीजें उनका सम बटे में कितनी बार देखा है आपने टोटल नंबर आपको वैसे इसका मतलब क्या है मान लो आपके घर में कोई uh, मेहमान आता है अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है पहले दिन पांच रोटी खाता है अगले दिन सात रोटी खाता है फिर आठ रोटी खाता है ठीक है और फिर एक रोटी खाता है आपसे एक क्या मतलब मैं इसे क्या कर लेता तो हूँ चार रोटी खाता है तो डेली इतनी रोटी खा रहा है आपने इसे ऑब्जर्व किया पांच और सात बारह बारह आठ बीस बीस और चार चौबीस चौबीस रोटी खा चुका है चौबीस चपाती खा चुका है और कितनी बार ऑब्जर्व किया आपने चार बार तो चार से ऊपर योग हो जाता है और नीचे कितनी बार है चौबीस बट्टे चार कितना आएगा उत्तर छे आ जाएगा ये आपको फॉर्मूला पता है ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे पास एवरेज का औसत का ये फॉर्मूला होता है ये हमारे पास तरीका होता है करने का ठीक क्लियर है कोई प्रॉब्लम कोई दुख कोई दुविधा कोई कष्ट कोई पीड़ा चलिए नहीं है आई थिंक आइए आगे चलते हैं मैंने क्या बताया था पहले प्रथम जो अन प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका हमारे पास योग क्या होता है तो एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा मैंने अभी बताया था कितना होता है दोस्तों ये तो सम है अगर एवरेज निकाल ये तो सम है हमारे पास ये तो सम है अगर एवरेज निकालने लग जाए अगर औसत निकालने लग जाए तो औसत इतना हमारे पास क्या है सम है और अगर सम को योग को एन संख्याओं से जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग कर दो तो भैया औसत निकल आ जाएगा तो इसको अगर मैं एन से भाग करूं तो हमारे पास एन से एन कट जाएगा तो औसत कितना आएगा एन प्लस वन टू ये आएगा एन प्राकृतिक संख्याओं का जो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जो योग है सम है एन इंटू एन प्लस वन पॉइंट टू होता है और दोस्तों यदि हम उसका औसत निकालें एवरेज निकालें तो जितनी संख्याएं हैं उतनों से अगर भाग कर देंगे तो हमारे पास औसत निकल जाएगा एन इन टू एन प्लस वन अपॉन टू और उसको भैया एन से डिवाइड कर देंगे क्लियर है बात समझ में आ गई है कोई दिक्कत तो नहीं है बोलिए सोनू अब आगे चलते हैं आगे चलते हैं अब मान लीजिए हमारे पास सत्रह संख्याएं हैं प्रथम सेवेंटीन नंबर हैं तो उनका हमारे पास सम कितना होगा आपको पता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू ये तो सम होगा एवरेज निकालना है तो सत्रह संख्याएं तो सत्रह से डिवाइड कर देंगे सत्रह से सत्रह कट जाएगा अट्ठारह बटे दो कितना आएगा नौ no. तो उत्तर कितना हमारे पास नौ नो उनका क्या जाएगा? आ जाएगा एवरेज no, आ जाएगा नो उनका क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा ये तो भैया संख्याओं की बात थी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स अगर मैं बात करता हूं दोस्तों अगर मैं बात करता हूं सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स मतलब प्रथम एन एन प्रथम एन सम संख्याओं का योग अगर प्रथम एन जो हमारे पास है सम संख्याओं का अगर दोस्तों योग निकालना है तो वो कैसे निकलेगा वो कैसे करेंगे दोस्तों आप कैसे निकाल सकते हैं उसको अगर मैं सम की बात करता हूँ एन इवन नंबर की बात करता हूँ ये होता है हमारे पास आप खुद बताइए ये होगा एन इन टू एन प्लस वन बस इतना होगा आपको कैसे बस इतना ही कैसे होगा मैं बताता हूँ प्रथम चार सम संख्याएं ले लेते ले हैं जैसे कि दो आ गया चार आ गया छह आ गया आठ आ गया, गया। प्रथम चार सम संख्या ले लेते ले हैं ठीक है चलो टोटल गेमिंग जी और दुर्गा जी तो हमारे पास क्या है पहली चार हमारे पास संख्या ले लेंगे तो इनका सम कितना आ गया दो चार छ बारह बारह आठ बीस बीस आ गया उत्तर सम इनका कितना आ गया यू कितना आ गया बीस आ गया इनका सम कितना आ गया बीस आ गया अच्छा अगर मुझे डायरेक्टली ऐसे ही निकालना हो तो पहली प्रथम एन है ना प्रथम एन मतलब चार है ये तो इसके एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि चार और एन प्लस वन चार प्लस एक चार इन टू बीस ऐसे भी उत्तर आ सकता है यही वाला डायरेक्टली फॉर्मूले से भी आ सकता है तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो हमारे पास औसत जो हमारे पास सॉरी जो प्रथम हमारे पास एन संख्याओं का जो योग है उसका फॉर्मूला क्या होता है एन इन टू एन प्लस वन होता है एन इन टू एन प्लस वन होता है अगर मैं इसका औसत निकालूंगा अगर मैं इनका औसत निकालने लग जाऊं एवरेज निकालने लग जाऊं दोस्तों अगर मैं एवरेज औसत निकालने लग जाऊं तो औसत कितना होगा जितना योग है जितना सम है और जितनी संख्याएं संख्याएं कितनी है एन है तो योग इनका एवरेज कितना आएगा हमारे पास एन प्लस वन आएगा तो हमारे पास इवन सम संख्याओं का जो हमारे पास औसत आएगा वो एन प्लस वन आएगा ध्यान देना जो योग है वो एन इन एन प्लस वन है ठीक है आइए ये तो थी औसत वाली बात अगर और नंबर्स की बात करें सम ऑफ सम ऑफ एन क्या सम किसका एन और नंबर्स यहां पर हमारे पास सम ऑफ एन फर्स्ट एन मैं तो कहूंगा फर्स्ट एन इसको ऐसे लिख लो इसको ऐसे लिख लो मेरे भाइयों सम ऑफ फर्स्ट एन और नंबर्स मतलब हमारे पास जो विषम संख्याएं हैं प्रथम प्रथम एन विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग ठीक अगर इनका योग निकालना है प्रथम एन ठीक है विषम संख्याओं का योग निकालना तो इनका योग कितना होता है इनका सम कितना होता है एन स्क्वायर एन स्क्वायर और इनका अगर एवरेज निकालना होगा दोस्तों इनका औसत निकालना होगा इनका एवरेज निकालना होगा तो जो सम है जो योग है बटे में जितनी संख्याएं हैं जो योग है सम है बटे में जितनी संख्याएं मतलब एन तो औसत इनका एन ही आ जाएगा मतलब कहने वाली बात यह है कि अगर हमसे कोई बोले कि पहले सात विषम संख्याओं का योग कितना होगा पहली सात विषम संख्याओं का योग कितना होगा तो उसने मतलब पहली सात तो पहली सात का योग कितना होगा ये होगा पहली सात विषम संख्याओं का योग कितना होगा इतना होगा सात का स्क्वायर और अगर उसने बोला पहली सात विषम संख्याओं का औसत कितना होगा तो पहली सात बोला तो साथ ही उसका क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा, साथ ही क्या हो जाएगा? जितनी संख्या है औसत होता है बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ठीक है ये इसे इंग्लिश कहते हैं ऊपर वाले को और नीचे वालों को हिंदी कहते हैं ठीक एक बार जल्दी से अपना चश्मा चेक कराओ चलो ओके एवरेज को औसत कहते हैं एवरेज को औसत कहते हैं एक मिनट रुक जाओ अब अगर हम क्या करें अगर हम बात करते हैं प्रथम एन संख्याओं के वर्गों का योग के वर्गों का योग मतलब हमारे पास जो हमारे पास प्रथम एन जो हमारे पास पहले एन नेचुरल नंबर्स हैं उनके जो स्क्वायर्स हैं उनका सम पहले एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम वो क्या होता है दोस्तों वो होता है स्क्वायर्स का सम ये होता है एन इन टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स n इन टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स ठीक है क्लियर है तो हमारे पास ये सम होता है अब आपको कैसे कैसे मैं बताता हूँ जैसे कि मान लो पहले हमारे पास नंबर है इनका सम निकालना है पहले तीन या चार नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना है एक तरीका तो ये, है आराम से सम निकालो। एक और चार पांच पांच और नौ चौदह चौदह और सोलह हमारे पास कितना आ गया तीस आ गया एक तरीका तो ये है या फिर एक या कितने नंबर हैं पहले चार है पहले चार नंबर तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी चार आ जाएगी चार प्लस एक एन प्लस एक चार प्लस एक पाँच चार इंटू दो आठ आठ प्लस एक नौ बटे में कितना है छः तीन तिया तीन दुनी दो से दो दो पंजे दस दस, दस इंटू तीन तीस तो ऐसे भी उत्तर आ सकता है तीस और ऐसे भी उत्तर आ सकता है तीस फॉर्मूले से भी आपका उस, पहले एन जो वर्गों का संख्या का योग है वो भी आ सकता है और ऐसे भी आप निकाल सकते हो अच्छा ये तो इसके सम आ गया ये तो इसका सम आ गया अगर मुझे क्या निकालना है एवरेज निकालना है औसत निकालने के लिए जो भी सम होता है जो भी योग होता है उसे हम एन से ही भाग करते हैं उतनी संख्याओं से भाग कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या है एवरेज है अगर मैं इसको एन से डिवाइड कर दूंगा तो औसत कितना आएगा एवरेज कितना आएगा दोस्तों औसत कितना आएगा एवरेज कितना आएगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स वो एन से एन कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा औसत आ जाएगा पहले एन प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग है वो पता लग गया और पहले एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा वो भी पता लग गया ठीक क्लियर है <laughs> बात समझ में आ गई है अब लास्ट चीज फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे लास्ट चीज फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे अगर मैं बोलू प्रथम एन संख्याओं के घनों का योग प्रथम एन संख्याओं के घनों का योग अगर मैं घनों की बात करता हूं तो तो क्या होगा तो दोस्तों कुछ नहीं होगा अगर मैं प्रथम एन संख्याओं के घनों के योग की बात करता हूं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होने का हमारे पास इसमें फॉर्मूला क्या बन जाता है एन इन टू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इनका क्या बन जाता है योग बन जाता है पहले एन -e प्रथम जो संख्याओं के घनों का योग जैसे कि एक का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब चार का क्यूब इनका हमारे पास घनों का अगर मैं योग करूं एक का दो एक का ये होता है दो का आठ होता है तीन का सत्ताईस चार का हमारे पास कितना होगा अगर करेंगे तो चौसठ प्लस कर लेना एक और आठ नौ सत्ताईस और नौ कितना होता है छत्तीस छत्तीस और चार कितना होगा सो होगा छत्तीस और चौसठ कितना होगा सो होगा तो हमारे पास सो आ गया यहां भी लगा के देख सकते हैं कितनी संख्या थी चार तो चार चार प्लस एक पांच बटे में दो सौ दो कर दो इंटू पांच दस इस समय क्या करना है स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा सो आ जाएगा उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों सो आ जाएगा क्लियर है तो हमारे पास इनका योग का फॉर्मुला भी आ गया अच्छा योग के फॉर्मले को कुछ लोग क्या करते हैं योग के फॉर्मले को कुछ लोग क्या करते हैं इसको बाहर खोल के भी लिख लेते हैं इसको बाहर खोल के भी लिख लेते हैं कभी कभी क्या करते हैं वो खोल के भी लिख लेते हैं जैसे कि ऐसे n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर और नीचे चार ठीक अच्छा अगर औसत की बात करें अगर एवरेज की बात करें एवरेज की बात करें मेरे भाइयों इसको जितनी हमारे पास औसत है हमारे पास जितना हमारे पास ये है इसको हम किससे भाग कर देंगे n से ही भाग कर देंगे भाग कर तो भैया जितनी संख्या उनसे भाग करो तो औसत आ जाता है तो एन से इसका एक एन कट जाएगा तो बचेगा क्या एन इन टू का होल स्क्वायर बटे में चार ये हमारे पास औसत आ अच्छा जाएगा पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो ओ, जो औसत है वो ये आ जाएगा क्लियर की लाइव क्लास का टाइम क्या है ये मैथ्स की लाइव क्लास ही चल रही है प्रीति ये मैथ्स की लाइव क्लास ही चल रही है दुर्गा ठीक है गुड इवनिंग भैया तुलसी जी <laughs> ये मैथ्स की लाइव क्लास का ही टाइम है मैथ्स की लाइव क्लास ही चल रही है

ठीक है अच्छा अगर सम इतना है तो एवरेज कितना होगा इसको एन से डिवाइड करेंगे तो आपको बेसिकली आपको एवरेज ही याद रखना है आपको बेसिकली एवरेज ही दिमाग में रखना है बेसिकली आपके दिमाग में एवरेज ही होना चाहिए एवरेज आ जाएगा ये एवरेज आ जाएगा ठीक है अच्छा कितनी है हमारे पास? 19 बटा दो कितना हमारे पास 19 बटा तो एन से भाग करेंगे तो एवरेज आ जाएगा एवरेज एन प्लस वन पॉइंट टू है प्रथम एन प्रागृतिक संख्याओं का एन अट्ठारह अठारह प्लस एक उन्नीस उन्नीस का आधा नौ पॉइंट पांच क्लियर कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख कोई दुविधा कोई कष्ट कोई पीड़ा चलिए अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था अच्छा अगर हमारे पास विषम संख्याएं आ जाए दोस्तों दोस्तों दोस्तो आपके पास जो औसत आएगा ना रेलवे के अंदर वो बहुत ही बेसिक सा औसत आएगा कोई ऐसे तोड़ फोड़ वो सक नहीं आएगा कि मतलब बहुत ही बाहर से पूछ लिया और रेलवे के अगर प्रीवियस प्रिवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे किसी भी किताब से उठा के देख लो हमारे फोर सेवन की किताब ले लो या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बुक ले लो आप उसमें देखेंगे कि बहुत ही मा, मामूली प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए वो हैं परंतु वो है बेसिक से और बेसिक कोई पढ़ता नहीं है बस तूफानी क्वेश्चन करना चाहते हैं और बेस पे आधार पे कोई नहीं आना चाहता तो आधारित क्वेश्चन होते हैं कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता चलिए अगर मैं इसके विषम संख्याओं का औसत की बात करूं तो प्रथम विषम संख्या है सत्ताईस दोस्तों जितनी विषम विषम संख्या प्रथम संख्याएं हैं तो ही औसत भी होता है जितनी विषम संख्याएं होंगी उतना ही औसत होता है देखो विषम संख्याओं का योग कितना होता है एन स्क्वायर और एवरेज कितना होता है एन सम इतना होता है योग इतना होता है और एवरेज कितना होता है जितनी संख्याएं दी हैं उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत n ही होता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n ओनली तो हमारे पास प्रथम हमारे पास 27 विषम संख्याएं हैं तो 27 विषम संख्याओं का औसत 27 ही हो जाएगा यही हमारे पास उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्लियर है क्लियर है अगला क्वेश्चन प्रथम चौवन फिफ्टी फोर इवन नंबर का हमारे पास क्या निकालना है एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ हमारे पास फिफ्टी फोर इवन नंबर दोस्तों तो हमारे पास चौवन ईवन नंबर्स है प्रथम चौवन ईवन नंबर्स है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों अगर तो हम कह सकते हैं अगर आप मानी तो, तो, तो को हमारे पास आपको पता एन, है इवन का सम कितना होता है सम हमारे पास इतना होता भाग कर देंगे तो एवरेज कितना आएगा प्रथम एन शम संख्याओं का औसत कितना आएगा एन प्लस वन ये आपको याद रखना चाहिए तो जितनी संख्याएं हैं उससे एक ज्यादा क्या होता है चौवन संख्याएं हैं उससे एक ज्यादा क्या होता है हमारे पास तो पचपन हमारे पास क्या जाएगा उत्तर आएगा डी हमारे पास सही उत्तर होगा डी हमारे पास सही उत्तर होगा क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन अब भैया यहां पर वर्गों की बात कर रहा है कितने वर्ग पहले आठ जो हमारे पास प्रथम आठ वर्गों का हमारे पास क्या निकालना है योग हमें पता है हमें औसत निकालना है आपको पता है वर्गों का मतलब जो सम होता है स्क्वाय का जो सम होता है वो कितना होता है वो इस वाले फॉर्मले से निकलता है ये होता है हमारे पास ठीक है ठीक है दोस्तों तो ये हमारे पास सम होता है अगर औसत की बात की जाएगी औसत की बात की जाएगी तो एन से भाग कर देंगे औसत की भाग कर देंगे औसत की बात की जाएगी तो एन से भाग कर देंगे तो उत्तर आएगा हमारे पास एन प्लस वन और टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स अपॉन सिक्स तो ये हमारे पास क्या जाएगा आ जाएगा दोस्तों एवरेज आ जाएगा ठीक अच्छा एन की वैल्यू कितनी है आठ दे रखी है तो हम क्या करेंगे और यहां पर सोलह सोलह प्लस एक सत्रह बटे में बटे में ठीक तो आप उत्तर निकाल लीजिए आराम से तीन से कटेगा तीन दूनी तीन तिया सत्रह तिया इक्यावन होता है इक्यावन का आधा अब इक्यावन का आधा कितना आएगा उत्तर इक्यावन का आएगा पच्चीस पॉइंट पांच ये उत्तर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव तो बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है बहुत ही आराम से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है बहुत ही बेसिक फॉर्मुले से हम कर रहे हैं और फॉर्मुले अगर आपको याद होंगे तो आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ठीक है कोई डाउट बोले भाई लोग चलिए अगला क्वेश्चन फाइंड द एवरेज स्क्वायर्स ऑफ अच्छा यहां पर भी स्क्वायर्स हैं पर यहां पर 11 नेचुरल नंबर्स हैं पहले 11 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का हमें क्या निकालना है औसत निकालना है फिर से बताऊंगा अगर स्क्वायर्स की बात करता है तो स्क्वायर्स की बात करता है तो सम कितना आता है सम कितना आता है आपको बार बार याद भी कर आपको याद भी हो जाएगा सम इतना आता है अगर प्रथम एन वर्गों का योग की बात करता है तो योग सम इतना आता है और अगर औसत की बात करता है तो औसत जितनी संख्या उससे भाग कर देंगे तो ये हमारे पास औसत बच जाता है संख्या कितनी है ग्यारह है तो ग्यारह प्लस एक दोस्तों कितना होगा बारह होगा ग्यारह इंटू दो हमारे पास क्योंकि एन की वैल्यू ग्यारह ग्यारह इंटू दो बास, बास प्लेस प्लेस एक कितना आएगा। बटे में कितना है छे छह से कटेगा कितना दो तेईस इंटू दो कितना आएगा छियालीस उत्तर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास छियालीस आ गया उत्तर इज डी ऑप्शन तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी कोई बड़ी बात नहीं है बेसिक बेसिक से फॉर्मले हैं बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है सर आप ही में कौन सा ग्रुप का फॉर्म फिलअप करें कौन से ग्रुप का मतलब क्या होता है कौन से ग्रुप का मतलब क्या होता है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप तब तक अगला क्वेश्चन देखिए वाला इसे करिए जरा यहाँ पर क्यूब्स की बात कर रहा है दोस्तों यहां पर क्यूब्स की बात कर रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोस्तों क्यूब्स का फॉर्म क्या? क्या तो होगा ऐसा ही का होगा उसमें ग्रुप तो कुछ है ही नहीं हाँ भाई एवरेज ऑफ ऑफ फर्स्ट एंड नाइन नेचुरल क्यूब्स घनों की बात कर घनों का हमारे पास सोमना कितना होता है अगर योग की बात करें तो योग हमारे पास इतना होता है इसको अगर मैं बाहर निकालता हूं स्क्वायर करता हूं तो ये एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे में 4। ये तो सम आता है अगर मैं एवरेज की बात करूं तो इसी को अगर मैं किससे भाग कर दूं दून से भाग कर दूं दू, तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा एन की संख्या कितनी है नो है तो नो इंटू नो प्लस एक कितना होता है दस दस का स्क्वायर बटे में चार तो नो दस का स्क्वायर सो तो होता है बटे में चार मतलब नो इंटू पच्चीस नो इंटू पच्चीस कितना होता है दो सौ पच्चीस हमारे पास दोस्तों उत्तर आएगा आंसर इज दो सौ पच्चीस क्लियर है क्लियर है लोग चलिए अब आगे की चीज सीखते हैं आगे की चीज सीखते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे ये चीज़ सीखते हैं ध्यान रखना अब जो चीज़ सीखने वाले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब सीखने वाले हैं अब जो सीखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है चीज़ क्या है कोई भी अगर लगातार श्रृंखला होती है जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छ एक लगातार श्रृंखला है किसी भी लगातार श्रृंखला चाहे श्रृंखला ऐसी हो एक दो तीन चार पाँच या फिर ऐसी हो दो चार छ आठ दस या फिर कैसी हो तीन पाँच सात नौ आगे ग्यारह लगा देते हैं या फिर कैसी हो चार आठ बारह सोलह कैसी ही श्रृंखला हो कैसी ही सीरीज हो कैसी ही श्रंखला हो कैसे ही सीरीज हो हमारे पास किसी भी सीरीज का कोई भी लगातार श्रृंखला होती है उसका औसत हमेशा मध्य संख्या होती है इस सीरीज का जो और एवरेज आएगा एक तरीका तो क्या है एवरेज निकालने का सबको प्लस कर लो एक और दो तीन तीन और तीन छ और चार दस दस और पांच पंद्रह पंद्रह और छह हमारे पास कितना होता है पंद्रह और छ हमारे पास इक्कीस होता है अच्छा कितनी संख्याएं हैं छ से भाग कर देंगे थ्री सेवन जा थ्री टू सात बेटा दो मतलब ठीक तो क्या होगी औसत होगी बीच वाला तो कोई है ही नहीं तो बीच वाला क्या होगा तीन और चार के बीच में क्या होता है तीन और चार के बीच में थ्री पॉइंट फाइव आता है तो यही हमारे पास क्या आ गया उत्तर आ गया कोई भी लगातार श्रृंखला होगी कोई भी हमारे पास कॉन्जेटिव सीरीज होगी उसमें जो हमारे पास औसत आता है वो बीच वाली संख्या आती है जैसे कि यहां पर ये लगातार श्रृंखला है इसमें हमारे पास औसत आएगा बीच वाली संख्या दो इधर दो इधर यही हमारे पास एवरेज आएगा तीन ही हमारे पास एवरेज आ जाएगा तीन ही हमारे पास दोस्तों क्या जाएगा, आ जाएगा औसत आ जाएगा अगर मैं इस वाले की बात करूं इस वाले की बात करूं तो हमारे पास दो इधर दो इधर छह ही, ही हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा छह ही हमारे पास क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा नोटिफिकेशन जाके पढ़ो तुलसी गुप्ता नोटिफिकेशन जाके पढ़ो अपना ग्रुप जानो ये मुझे नहीं या आपको पता होना चाहिए आपने क्या किया हुआ है ग्रेजुएशन की हुई है आपने क्या किया हुआ है किधर आपको कौन से रीजन का चाहिए उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी ठीक है अब मुझे ये पता आपने ट्वेल्थ करी हुई है आपने डेविशन क्या करा हुआ है या आपको कौन से रीजन में चाहिए जैसे कि पटना गुवाहाटी भी इनका ही आया है अभी ठीक है तो आप जो है नोटिफिकेशन जाके पढ़ो ठीक और नोटिफिकेशन अगर नहीं पढ़नी तो आप रेलवे रेडी ट्वेंटी फोर सेवन में जो नोटिफिकेशन के बारे में बता रखा उससे है उससे जाके पढ़िए ठीक चलो अच्छा यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास दो इधर और दो इधर बीच वाला क्या होगा औसत होगा साथ ही हमारे पास उत्तर आ गया यहाँ देखिए यहाँ पर एवरेज कितना आएगा दो इधर दो इधर बीच वाला एवरेज अब बीच वाला क्या है इनके बीच में बीच वाला हमारे पास ये आठ और बारह के बीच में क्या आता है आठ और बारह के बीच में क्या आता है तो आठ और बारह के बीच में दस आता है दस ही हमारे पास क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा आठ से भी दस दो दूर है और बारह से भी दस दो दूर है तो कोई भी लगातार श्रृंखला होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी भी होगी उसमें जो औसत आता है दोस्तों जो उसमें एवरेज आता है वो क्या आता है बीच वाली संख्या आती है ठीक तो लगातार श्रृंखला का औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी ठीक ये वाली बात आपको जान गई आपको पता लग गई अब लगातार श्रृंखला मान लो यहां लिखा हुआ है सेवनटी वन सेवनटी टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर ये लिखा हुआ है तो आपको पता है ये लगातार श्रृंखला है तो इसका औसत क्या होगा यार एक टीचर ने बताया था कि ऐसा अगर लगातार श्रृंखला आती है तो बीच वाला नंबर औसत आता है दो इधर दो इधर तिहत्तर के बीच में क्या होगा बहत्तर पॉइंट पांच आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा उत्तर बहत्तर पॉइंट पांच या तो मध्य संख्या होगी उत्तर मध्य संख्या ही हमारे पास क्या होगा औसत होगा मिडिल नंबर ही हमारे पास क्या होगा औसत होगा या फिर या फिर या फिर या हमारे पास पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा इकहत्तर पहली संख्या है चौहत्तर आखिरी संख्या है इनका आधा तो कितना आ जाएगा एक सौ पैंतालीस का आधा भाई इकहत्तर और चौहत्तर एक सौ पैंतालीस का आधा दो से काटेंगे तो सात दो सत्ते दो दूनी चार और ये बहत्तर पॉइंट तो देखो ऐसे भी तो दो प्रकार से आप औसत निकाल सकते हैं किसी भी लगातार श्रृंखला का जो औसत होता है या तो मध्य संख्या होती है या पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा भी ऐसे भी बोल सकते हैं ठीक क्लियर है थैंक यू भाई बीके जैसे कि मैं मान लो आपसे पूछता हूं जैसे कि मैं आपसे बोल देता हूं जैसे कि मैं आपसे बोल देता हूं, बोल देता हूं। कि हमारे पास नंबर है ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन इसका औसत मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका औसत मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका औसत कितना होगा इसका औसत मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितना होगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी इसका औसत तुम्हें लिख के बताइए क्या होगा वट वुड बी द औसत ऑफ दिस क्वेश्चन तो आप कहोगे आप कहोगे वन मिनट आपको आप सर इसका औसत आपको औसत बिल्कुल सही है, संख्या 25 ही है दो इधर, दो इधर. अच्छा, और कैसे निकाल सकते हैं पहली संख्या मतलब ट्वेंटी वन प्लस आखिरी संख्या मतलब ट्वेंटी नाइन पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा भी हमारे पास क्या आएगा औसत ही आएगा इक्कीस और उनतीस हमारे पास कितना आता है पचास और पचास का आधा भी हमारे पास पच्चीस आएगा मतलब हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं औसत निकालने की किसी भी लगातार श्रृंखला में अगर हमें औसत निकालना हो तो हमारे पास औसत आराम से निकाला जा सकता है या तो मध्य संख्या होती है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा ठीक चलिए अगर ऐसा है तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं जैसे कि इससे पहले तो कोई क्वेश्चन ना हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए क्या बोल रहा है सात लगातार शम संख्याओं का औसत सात लगातार सम संख्याओं का औसत जो इवन नंबर है उनका जो एवरेज है दोस्तों फोर्टी सिक्स है छियालीस है ठीक है हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है अगर आप देखिए ध्यान से यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो so, सात हैं लगातार सात एक दो तीन चार पांच छ सात सात लगातार संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है छियालीस आपको पता होना चाहिए अगर लगातार संख्याएं होती हैं तो उनका जो औसत होगा वो मध्य संख्या होगी बीच वाले नंबर होगा अगर लगातार संख्याएं हैं तो उनका जो औसत होगा वो बीच वाला नंबर होगा अब तीन तो इधर है तीन इधर है तो बीच वाला नंबर क्या होगा औसत होगा और औसत कितना है छियालीस है और संख्याएं कैसी है है इवन सम है? है तो भैया अगर सात संख्याएं तो बीच वाला क्या होगा औसत होगा हमें सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर छियालीस के बाद अड़तालीस आएगा पचास आएगा और सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा 52. सबसे बड़ा नंबर हमारे पास बावन है बी इज द राइट ऑप्शन टू इज द राइट आंसर ठीक है राहुल कुमार जी बॉल से लक्की जी बिल्कुल बढ़िया बावन ही हमारे पास सही उत्तर है इस प्रश्न का ठीक है क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाली बात आई आगे चलते अगला क्वेश्चन किसी भी लगातार श्रृंखला का जो होता है वो मध्य संख्या होती है या फिर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा या फिर पहली संख्या आखिरी संख्या का था वो भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं वो भी कोई अलग बात नहीं है अच्छा नो लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है तिरासी है नो लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है तिरासी है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी, करनी है तो नो लगातार तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नो तो नो लगातार संख्याओं का जो औसत है वो कितना है और नंबर्स है तिरासी है तो नो चार तो इधर है और चार इधर है बीच वाला क्या है औसत है तिरासी हमारे पास क्या है औसत है तिरासी क्या है हमारे पास दोस्तों औसत है ठीक है हमें क्या निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर तिरासी से पहले क्या आया होगा इक्यासी आया होगा इक्यासी से पहले कितना आएगा उनासी इससे पहले क्या होगा सेवन सेवन सतहत्तर और इससे पहले क्या होगा सेवन सबसे छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं और ऐसे करके सबसे बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या आ गई सेवन फाइव उत्तर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा क्लियर उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन आ जाएगा क्या बात क्लियर है दोस्तों यस और नो ना क्या बात क्लियर है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट वन बाय वन पढ़ते हुए चले जाएंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी सभी के सभी क्वेश्चन आसान ही होते हैं और आपको सही ही लगेंगे अगर आप टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे तो आपको आराम से क्वेश्चन आ जाएगा क्या कह रहे हैं एवरेज छह लगातार नंबर सिक्स कॉन्जिकेटिव ऑर्डर लगातार हमारे पास छह क्या है नंबर है उनका हमारे पास औसत कितना है सोलह है हमारे पास हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो दोस्तों हमारे पास छह लगातार हैं। एक दो तीन चार पाँच छ अब छह का मतलब तीन इधर हो जाएंगे और तीन इधर हो जाएंगे तो बीच वाला इनका क्या होगा औसत होगा बीच वाला क्या होगा औसत होगा ठीक है? है।, अच्छा। है और औसत क्या है सोलह है अच्छा सीरीज कैसी है ऑड है सोलह बीच वाला है सोलह से जस्ट बाद क्या होगा औसत तो ये जो सीरीज है ये ऑड की है ऑड की सीरीज का एवरेज इवन आ सकता है और इवन की सीरीज का एवरेज ऑड आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सीरीज इवन का ऑड आ सकता है ऑड का इवन आ सकता है दिखाऊंगा अभी तो सोलह से जस्ट पहले क्या आएगा ऑड नंबर पंद्रह और सोलह के जस्ट बाद क्या आएगा सत्रह ठीक है सोलह से जस्ट पहले क्या आएगा पंद्रह आएगा ऑड नंबर सोलह से जस्ट पहले हमारे पास क्या आएगा पंद्रह और सोलह के जस्ट बाद क्या क्या आएगा सत्रह क्योंकि ये तो इनके बीच इन तो इनके बीच में आता है सोलह तो इनके बीच में आता है अच्छा में क्या निकाला है पंद्रह से पहले तेरह और तेरह से पहले ग्यारह तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों ग्यारह आ जाएगा पर इस क्वेश्चन ने दो चीज सिखाई एक तो ये आंसर बताया दूसरा आपको ये भी बताया किसी भी और सीरीज का विषम संख्याओं का श्रृंखला में औसत विषम आ सकता है और किसी भी सम संख्याओं की श्रृंखला में औसत विषम आ सकता है जैसे कि ये श्रृंखला कैसी है और है पर इसका जो एवरेज था वो कितना था सोलह ठीक है क्लियर है बात समझ में आ गई है कोई दिक्कत तो नहीं है आइए आगे चलते हैं ओके okay. ये वाला क्वेश्चन बताइए लगातार हमारे पास इवन नंबर्स हैं ए के बाद नंबर क्या है बी बी के नंबर क्या है सी सी के बाद क्या है डी और डी के बाद क्या है, ये हमारे पास क्या है? एक है। और वो भी इवन सीरीज है दो दो का जैसे कि तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह ऐसी दो चार छह आठ दस बारह दो तो दो का अंतर होता है तो आपको पता है श्रृंखला है और श्रृंखला में हमारे पास जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है अब दिक्कत क्या है बीच वाली संख्या तो हमारे पास है नहीं ऑप्शन में अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ये a है ये ए प्लस टू है ये ए प्लस फोर है ये ए प्लस सिक्स है और ये ए प्लस एट है तो एवरेज कितना आएगा ए प्लस फोर आएगा तो भी गड़बड़ है क्योंकि ए प्लस फोर भी ऑप्शन में नहीं है अच्छा और कैसे हो सकता है ये a है ये b है तो इसे हम बी प्लस टू लिख सकते हैं दो ज़्यादा है है ना दो ज़्यादा है अच्छा बी प्लस टू ये भी ऑप्शन में नहीं है अच्छा और क्या लिख सकते हैं ये ए है ये बी है ये हमारे पास डी से दो छोटा है डी से जो दो छोटा है डी माइनस टू डी माइनस टू भी ऑप्शन में नहीं है अच्छा और क्या आंसर आ सकता है मतलब ये सारे ही उत्तर हैं बट ऑप्शन में नहीं है और क्या हो सकता है ए है बी है ये हमारे पास ई e से चार छोटा है ई e से चार छोटा है तो ई माइनस फोर वो भी ऑप्शन में नहीं है पर मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि आपका औसत क्या हो सकता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा तो हमारे पास अगर ये ए बी सी डी ई है औसत तो क्या हो सकता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा ये भी तो औसत होता है पर दिक्कत क्या है ये भी ऑप्शन में नहीं है ए प्लस ई टू नहीं है ए माइनस ई अपॉन टू है अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, दो चार छ आठ दस इसका औसत कितना होगा आपको वाला नंबर है छ या फिर दो प्लस दस बारह उसका आधा छ भाई पहली संख्या दो है आखिरी संख्या दस है दो प्लस दस बारह का आता या फिर इन दोनों संख्याओं को भी चार और आठ को भी अगर सम करोगे ना चार और आठ भी कितना आएगा बारह बारह का आधा तो भी कितना आएगा छ ही आएगा तो ए प्लस ई का सम करके आधा कर दो या फिर बी प्लस डी का सम करके आधा भी कर सकते हो तभी तो बीच तब भी तो बीच में ही आएगा तब भी तो बीच में ही आएगा तब भी सी तो बीच में ही आएगा।, तो आएगा तो बी प्लस डी का सम करके आधा कर दो वो भी हमारे पास औसत ही होता है तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा बी ऑप्शन आएगा ये सारे हमारे पास औसत ही है जो मैंने लिखे हैं बस ऑप्शन में दिए हुए ऑप्शन में से अकेला ये दिया बी प्लस डी का आधा क्लियर क्लियर है भाई तो ये सारे ही उत्तर थे यहां पर भी सारे ही उत्तर थे परंतु हमारे पास ऑप्शन में एक ही है बी प्लस डी का आधा तो ये हमारे पास उत्तर आ गया है मेरे भाई अब मेरी बात सुनना डेली हम पढ़ रहे हैं इसी टाइम पढ़ रहे हैं आज तो खैर मैं आपके लिए यहां से क्लास ले रहा हूं आप सभी को पता है अगर आप add247.com ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर जाते हैं add247 ट्वेंटी फोर सेवन या फिर add247 ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर जाते हैं ये मेरा मानना है आगे आ, अगर आप खुद से यहाँ पर add247.com ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम सेलेक्ट करना और उस पर रेलवेज पर जाना और रेलवे के महापैक पर जाना दोस्तों आपके लिए एस एस सी रेलवे का महापैक भी एक साथ है और रेलवे का महापैक भी एक साथ है डबल वैलिडिटी चल रही है क्या चल रहा है डबल वैलिडिटी और इसके अंदर चाहे आर आरबीएल हो आर आरबी टेक्नीशियन हो आर पी एफ हो कॉन्स्टेबल हो एस SI आई हो एन टीपीसी ग्रुप डी हो सारे के सारे एग्जाम कवर करवाए जा रहे हैं और हम ही पढ़ा रहे हैं क्लिक किया जाएगा जैसे इस पर क्लिक करोगे भाई होवन डॉट कॉम से चले आओ जो की वेबसाइट है या फिर ऐप से चले आओ आपको इसके अंदर बारह डबल वेलिडी मिलेगी चार सौ उनतालीस ई बुक्स मिलेंगी फोर थर्टी नाइन इतनी सारी वीडियो मिलेगी चार हजार आठ सौ सत्तानवे लगभग लग पांच हजार वीडियो चौदह सौ अस्सी टेस्ट सीरीज मिलेंगी पाँच सौ घंटे प्लस ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी ठीक है और गाइडेंस तो मिलेगी और कितने का है बस इतने का बल्कि ये और भी कम हो सकता है अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और बाय नाउ पे क्लिक करके यहां पर लगा देते हैं वाई सेवन सिक्स थ्री वाई सेवन सिक्स थ्री लगाएंगे अप्लाई करेंगे तो देखो और भी कम हो गया लगभग लगभग चार सौ रुपए कम हो गए सिर्फ और सिर्फ किस लिए लगाने पर वाई सेवन सिक्स थ्री कोड लगाने से तो रेलवे का महापैक अच्छा है चाहे मैथ्स हो रीजनिंग हो जीके जीएस हो करंट अफेयर हो आप कुछ भी ले सकते हैं तो वाई सेवन सिक्स थ्री कोड लगाइए कहाँ जाकर अटा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम या फिर फिर ट्वेंटी फोर सेवन की एप से आकर दोस्तों मैं वादा करता हूँ बहुत अच्छा आपको एक इम्प्रूमेंट मिलेगा और यकीन आएगा अपने आप में जो अब तक बन नहीं पा रहा आपको अपने अंदर यकीन कि सर एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा वो यकीन आपके अंदर बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप ऐसे लोगों से मिलेंगे ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे मतलब आप क्लासेज लेंगे उन सर लोगों के साथ उन मैम लोगों के साथ हमारे साथ जिससे कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा आपका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होना बहुत जरूरी है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और बहुत ही कम मिनिमल प्राइस लगभग फिफ्टी हंड्रेड समथिंग में है और इसके अंदर अगर आपको रेलवे की जॉब मिलती है चाहे एनटीपीसी में हो चाहे ग्रुप डी में हो चाहे आर पी एफ एसआई कॉन्स्टेबल हो या ए में हो चाहे आपका टेक्नीशियन में हो अगर आपको जॉब मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ठीक है कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय और कल फिर क्लास लेते हैं बाय बाय केयर